हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्ला का 102वां सालाना उर्स 29 जुलाई से 10 अगस्त तक धूमधाम से मनाया जाएगा। सालाना उर्स के अवसर पर हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सालाना उर्स में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु ताजाबाद पहुंचेंगे। इसे देखते हुए ट्रस्ट ने करीब 15 लाख लोगों के लिए लंगर भोजन की व्यवस्था की है। इसमें कई धार्मिक तंजीमों और दरगाहों की ओर से भी लंगर वितरित किया जाएगा। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारी जिया खान एवं सचिव ताज अहमद राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उसकी तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। ताजाबाद में भव्य शामियाना लगाया गया है। श्रद्धालुओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही जिला प्रशासन, मनपा, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से भी आवश्यक की सुविधाएं की गई है। पत्र परिषद में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जिस्कार, सदस्य हाजी फारूक बावला, गजेंद्र पाल सिंह लोहिया, मुस्तफा भाई टोपी वाला, हाजी इमरान खान ताजी उपस्थित थे। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि 29 जुलाई को सुबह 9 बजे अमीर शरीयत मुफ्ती अब्दुल कदिर की अध्यक्षता एवं विश्व प्रख्यात मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना मोहम्मद हाशमी मियां की प्रमुख उपस्थिति में परंपरागत तरीके से पंचम राज्य रघुजी भोसले के हाथों परचम कुशाई की जाएगी। इसी दिन ईशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफ का आयोजन होगा और पश्चात मौलाना हाशमी मियां की तकरीर होगी। वहीं 30 जुलाई को बाद नमाजे ईशा मिलाद एवं तकरीर का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी तरह 31 जुलाई को दरगाह परिसर में ईशा की नमाज के बाद मिलाद होगा और फिर कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के मशहूर कव्वाल कव्वाली पेश करेंगे। 1 अगस्त को ईशा की नमाज के बाद मिलाद व इसके पश्चात इंटरनेशनल सूफियाना महफिल समा का आयोजन होगा। 2 अगस्त को सुबह 10 बजे ताजाबाद स्थित हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कार्यालय से शाही दरबारी संदल निकलेगा। संदल के रवानगी से पूर्व ट्रस्ट कार्यालय में सूफी कलाम पढ़े जाएंगे व दस्तारबंदी की रस्म अदा की जाएगी। बाबा ताजुद्दीन के शाही संदल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। संदल विभिन्न मार्गों का गश्त करता हुआ वापस ताजाबाद लौटेगा। वापसी के बाद बाबा ताजुद्दीन के मजार पर संदल और चादर पेश की जाएगी। 3 अगस्त को सुबह 9 बजे दरगाह में छोटा कुल शरीफ की फातिहा होगी। इसके बाद रात में ईशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफों का व ऑल इंडिया नातिया मुशारी का आयोजन किया जाएगा। 4 अगस्त को उर्स के शामियाने में रात में ईशा की नमाज के बाद प्रख्यात मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सैयद अमीनुल कातिर साहब मालेगांव की तकरीर होगी। 5 अगस्त को सुबह 9 बजे बड़ा कुल शरीफ की फातिहा होगी और रात में ईशा की नमाज के बाद मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब बीजापुर कर्नाटक एवं मौलाना सैयद आलिम मुस्तफा कादरी मुसावी हैदराबाद की तकरीर होगी। 6 अगस्त को ईशा की नमाज के बाद कव्वाली का कार्यक्रम होगा। 7 अगस्त को भी उसके शामियाने में कव्वाली का आयोजन होगा। इसी तरह 8 अगस्त को भी कव्वाली का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 9 अगस्त को बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली के सालाना उर्स के अवसर पर दरगाह परिसर में देश की खुशहाली, तरक्की, हिफाजत व विश्व मानव जाति के कल्याण और भाईचारे साथ ही शांति के लिए विशेष सामूहिक दुआ होगी। शॉर्ट में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह के हर वर्ष परमाने जो है इस बार 102 सालों उन्होंने उसके अंदर में हमने प्रवेश किया और बड़ी अच्छे धूम और धाम से बाबा जान का उर्स मनाया जाएगा। आने वाले उसमें क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, कौन कौन अतिथि रहेंगे? देखिए बाबा के यहाँ कैसा है कि हमने तो जितने ऐसा कैसा हमारे गडकरी साहब, देवेंद्र पंडवे, नाना फोरोली, ये सब सारे लोग जो है ये लोग हमेशा बाबा के यहाँ आते हैं और दर्शन के लिए, और जैसा कि राज बब्बर है, रजा मुराद है और सलमा आगा है, ये भी इनको भी निमंत्रण हमने बहुत सारे लोगों को दिया है। और स्पीकर जो है आंध्र प्रदेश की, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो बाबा के यहाँ तो अतिथि तो आते रहते हैं। प्रोग्राम किस अतिथि से शुरू होने वाले और कब तक रहेगा? हमारा जो प्रोग्राम है 29 को रघुजी राजा भोसले महाराज के यहाँ से, जैसे हमारी एक कैसा है गंगा तहजीब जो है हमारे यहाँ जमुना, इस तरीके से वहाँ पर जो एक परंपरा जो रघुजी राजा महाराज के यहाँ से परचम सुबह 9 बजे होगा, ये ओपनिंग सेरेमनी हमारा यहाँ से प्रोग्राम का शुरुआत हो जाएगी। कितने लोगों का लंगर इसमें कैसा है कि हमारा जो लंगर की व्यवस्था की है कम से कम 15 लाख लोगों की हमने यहाँ पर व्यवस्था बनाई है। और हमारे लंगर खाने और बड़े बड़े टेंट के और डोम के अंदर में और बाहर के लोग भी हमारे यहाँ लंगर करते हैं, तो सारे लोगों की हमने व्यवस्था की है, तो ताकि 15 लाख लोगों का हमारा एक पूरा फिगर रहेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, किस तरह की व्यवस्था की है? आने वाले देश विदेश से जो भी बाबा के यहाँ आएंगे उन लोगों की सारी व्यवस्था की गई है कि उनके दर्शन अच्छे से हो जाए, ताजाबाद ट्रस्ट की जानिब से वो दर्शन बराबर तरीके से करवाए और अच्छे ढंग से वो जैसा आता है तो उनको ट्रीटमेंट अच्छा देना चाहिए। अपन क्योंकि यहाँ के रहवासी है और बाबा की अपन सेवक है तो अपना भी काम कर्तव्य बनता है सभी लोगों का, यहाँ के लोगों का, ये सभी मिलके यहाँ पर जो हम लोग बाबा के यहाँ एकता का प्रतीक बोलते हैं और एकता का प्रतीक जो है तो इस तरीके से सभी लोगों को लेके चलना चाहिए। आने वाले भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? आने वाले भक्तों को यही संदेश है कि आप जो दूर दराज से लोग आते हैं तो अपने बच्चों को संभालें, अपने जेब पैकेट से होशियार रहे तो क्या है, और बाकायदा जो लाइन हमारी लगती है उसके अंदर में हमारा सहयोग करें ताकि कैसा है कि आपके भी जेब पैकेट को चोरे ना, मोबाइल ना चोरे, हर चीज़ की आपको जो है अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। बाकी तो हम लोग जो भी है पुलिस प्रशासन है, डिपार्टमेंट है, वो सब सारी चीज़ें ताजाबाद ट्रस्ट है वो सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ साहब किछोशा शरीफ दुआ करेंगे। 10 अगस्त को ईशा की नमाज के बाद कवाली का कार्यक्रम होगा। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने श्रद्धालु से उर्स में शामिल होने की अपील की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।